गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओम साई राम, सत श्री अकाल। आप सारे जो सारे लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हो और आपके परिवार और आपके लिए, मतलब हम सब के लिए, मैं भगवान से यही दुआ मांगूंगी कि आपका ये जो दिन है बहुत ज़्यादा अच्छा जाए और आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। आज है मंगलवार और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। एक्चुअली मेरा नींद तो खुल गया था 6 बजे, लेकिन मैं 6:15 तक उठ गई और उठने के बाद मैंने ऑफिस का काम कर लिया, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे आज भी हॉस्पिटल जाना है कोला को लेकर। लेकिन एक बात है, कोला कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मम्मी उठ के सुबह उसको देखी कि वो सुबह यहाँ पे वॉक कर रहा है। एक्चुअली हम उसको बांध के नहीं रखते। कल आपको पता है कि कल कोला अंकल के घर पे था और सुबह ना कोला मम्मी सुबह उठ के देखी कि सुबह वो यहाँ वहाँ चल रहा है, ठीक है, सामने में। तो मम्मी को लगा वो शायद थोड़ा ठीक हो गया है, एंड अभी वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो मम्मी उसको नीचे ढूंढने गई है। छोटा भाई एक बार ऑलरेडी ढूंढ के आया है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। उसको यहाँ पे कोई बांध के नहीं रखता। आप सबको पता है वो हमारे कॉलोनी का डॉग है एंड हर कोई उसको जानते हैं, हर कोई उसको प्यार करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई उसको भगा देते है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं करता, लेकिन स्टिल वो हमें नहीं मिल रहा है। तो अभी देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा मुझे लगता है। पता नहीं कहाँ पे रेस्ट ले रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा वीक ही है। तो अभी एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल के लिए जाने ही वाले हैं आधा एक घंटे में, लेकिन अभी उसको तो पहले मिलना चाहिए, पेशेंट को तो पहले मिलना चाहिए, उसके बाद। तो मम्मी आज सुबह बोले तो अच्छा था, मतलब चल रहा था। कल तो बिल्कुल भी चला वाला नहीं। हमें सुबह उठ के आज थोड़ा सा वो चला, एंड देन जो नॉर्मल डॉग्स करते हैं, सूंघते हैं कुछ कुछ, तो वो सब भी वो कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं। लेकिन आई होप वो मिल जाएगा बहुत जल्दी, यहीं पर कहीं पर रेस्ट ले रहा है। तो मम्मी अभी आने के बाद ही मैं देखती हूँ क्या है। मैं तब तक फ्रेश हो जाती हूँ। मैं सुबह उठ के ब्रश भी ना करके मैं ऑफिस का काम पे बैठ गई। तो चलो, सुबह का काम तो मेरा हो गया है, एंड अभी कितना बज रहा है, 7:30 हो रहा है शायद। तो मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी मैं ब्रश कर लेती हूँ, एंड देन मैं भी कोला पे ढूंढती हूँ। भाई ने कल मुझे निराश किया था, बड़े भाई ने, आपको पता होगा ना, वो मुझे TSG के कैरी बैग में मुझे प्रैंक किया था। बोला था कि कुछ वो अच्छा लाया है, तो आज उसने उसका रिपेंट किया है। दिखाती हूँ मैं उसने क्या लाया है आज मुझे, मतलब आके मुझे ऐसा करके बोल रहा है, ऐसा करके कुछ बोल रहा है। फिर मैं क्या हो गया, देन किचन में आने के बाद पता चला भाई ने लाया है लॉबस्टर। तो ये 1000 रुपीज किलो है, भाई ने 600 रुपीज का लाया है। आज तक ये ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हम लोग कभी लॉबस्टर नहीं खाए, कभी भी नहीं खाए। आज पहली बार ही खाएंगे और हमें पता भी नहीं इसको कैसे खाया जाता है। मतलब झींगा मच्छी का जैसा ही खाया जाएगा, लेकिन इसको क्लीन कैसे करते हैं कुछ भी नहीं पता। तो दिस विल बी फर्स्ट टाइम फॉर अस। मैं बस आपको दिखाती हूँ लॉबस्टर का ऊपर में टेक्सचर। वाओ, ये कितना अच्छा कलर है ना, और ये दूसरा वाला दिलदार भाई अमर। ये देखिए लॉबस्टर का फाइनल लुक, मतलब क्लोज लुक सॉरी। और इसको ये कितना लंबा है देखिए, बिस्किट देना बेटा, बिस्किट दवा चेस्टा करना। खाओ खाओ कोला, खाओ अली। कोला आ गया एंड कोला खाना खा रहा है, इतना ज्यादा खुशी लग रहा है ना, मतलब कितने दिन बाद वो कुछ खा रहा है, ऐसा कितना दिन बाद खा रहा है, फाइनली रिलीफ। और आज थोड़ा सा तगड़ा भी लग रहा है। वही तगड़ा हो गया है ना, ना ना ना, कल के कंपैरेटिवली। ओ देखो, खाओ खाओ खाओ, और एक तो मासेर में आलू दिए दिसलम, वो जोताई गंध तो खाई से। चलो कोला, चलो कोला, चलो आओ हॉस्पिटल जाएंगे। आओ हाय कोला, आए आशो हॉस्पिटल जाएंगे। कोला का डीएनए सेकेंड डे है DNS का। कोला कोला गुड गर्ल, कोला कोला कितनी गुड गर्ल, कोला इज अ गुड गर्ल, वेरी नाइस। बीकानेर खुल गया है, अरे वाह, DNS अभी कोला आ गया है, आ गई है। मुझे तब तक पता भी नहीं था कि कोला हमारी लड़की है। कोई बात नहीं, ओ चलो चलो चलो, खाना खाएंगे, आओ आओ खाना।
गॉड आज इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है राइट, इतना ज्यादा हॉजपॉज हो गया, बहुत कुछ बताना था अब बोल नहीं पाई। छोटा बड़े भाई ने लॉबस्टर तभी लाया था बट अंदर से मैंने उतना खुश नहीं थी क्योंकि कोला कहीं पे नहीं मिल रहा था। और यू नो एग्जैक्टली 8:30 को कोला घर के सामने आता है एंड मतलब वो बहुत बहुत एकदम एक्टिव से आया। देन मम्मी ने इमिडिएटली उसको दूध और चावल दिया बट वो खाया नहीं क्योंकि उसको ना नॉनवेज की आदत है। देन मच्छी का थोड़ा सा करी था, उस करी को हम लोग मिला दिए चावल के साथ एंड देन उसने इतना संतुष्टि करके खाया उसे और देन पानी भी पिया। देन हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं एंड देन हमने जो जो बोला तो फिर से उसको सैलाइन चढ़ाया जैसे कि आपने अभी देखा। पीड़ा के लिए जो दवाई था वो डॉक्टर ने हमें दे दिया एंड देन डॉक्टर ने हमें बोला कि तुम उसको नॉर्मल आज खाना वाना खिलाओ, वो आज खाए पूरा एंड देन कल उसको दवाई आप दे देना एंड अगर वो नहीं खाता है देन उसको हम फिर से कल डीएनए चढ़ाएंगे। तो ये उसका अपडेट है बट कोला को देख के लग रहा है वो सही है। और आज तो आपने देखा कि गाड़ी के सामने बैठ के आया है, वो जब आया और जब खाया ना मतलब मुझे आज ऐसा फील हुआ मतलब कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ जैसा हमारा अटैचमेंट हो जाता है कि बहुत दिन बाद अगर थोड़ा सा कुछ खाना खाते जो खुशी हमें मिलती है वो एक सेम खुशी मुझे लगी। मुझे आज इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ ना, मतलब कल मैं पूरा दिन मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था और वो देख देख के मैं शायद तबीयत मेरा ख़राब हो रहा था लेकिन आज का सुबह सच में एक बहुत अच्छा सुबह है। ऐसा ही हमारा सबका सुबह रहे आज का, ठीक है। तो मैं अभी खाना खाऊंगी, ऑफिस का तो काम मैं करके गई थी आपको जैसे मैंने बोला, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, लोबिया फ्राई और ये है चावल। लोबिया को बहुत लोग बॉरबूटी कहते हैं, हम लोग लोबिया ही कहते हैं इसको। एंड ये दाल, दाल के अंदर है प्याज एंड उसके साथ है गाजर। तो चलो मैं अभी खाती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आप लोगों को लगता होगा मैं ऐसी बेड पे क्यों खाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना परफेक्ट डाइनिंग टेबल नहीं है यार, हम लोग ऐसी है क्या करें। और तो यहीं पे बैठ के मैं भी खाऊँगी, बहुत आज भूख लगी है मुझे बहुत ज़्यादा और मैं खुश हूँ मेनली। कल मैं पूरा दिन खाना भी नहीं खाया था ये कोला को देख देख के। एक्चुअली साथ पे है प्रवीण अचार, तो सारे को करना है मिक्स। सबको पता ही है जब मुझे वेज होता है मैं कैसे खाती हूँ, सब मैं सब खिचड़ी करती हूँ, उसके अंदर नींबू या फिर अचार डालते हैं अंदर ना ये। तो मैं मेरी मम्मी के साथ एक प्रैंक कर रही हूँ अभी, उनको ना ये फ़ोन में भी बहुत सारा काम होता है तो मैं अभी एक वॉलपेपर डाउनलोड करूँगी और ऐसी फ़ोन को रख दूँगी फ्लोर पे, देखूँगी उनका रिएक्शन क्या है। ठीक, ये है मम्मी का डीपी, मम्मी और मम्मी का लाडला बेटा राजा बेटा। मम्मी को ना ये कलरफुल वाला उतना समझ नहीं आएगा तो मम्मी के लिए मैं ये वाला कर रही हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ओके, तो फ़ोटो तो डाउनलोड हो गया है, अब मुझे इसको सेट करना है। अरे मम्मी का फ़ोन में ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आता क्या क्या है। प्लान में चेंज, मम्मी आके वो दरवाज़ा में खटर 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 कर रही है। अरे अरे अरे, वॉलपेपर भी सेट होने में इतना सारा टाइम लगता है क्या? एक्चुअली मैंने चेंज कर दिया आइडिया, अभी दूसरा वाला कर दिया मैंने, जो पहले वाला दिखाया था ना उसी को मैंने रखा है। इसको ऐसे नीचे रख दिया है, फिर देखती हूँ क्या होता है। अभी तक ख्याल ही नहीं मम्मी का फ़ोन कहाँ पे है, अभी मैं उसका जगह थोड़ा सा चेंज करूँगी ताकि मम्मी को दिखे, तो मैं यहाँ पे रखूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको। मम्मी को कुछ पता चल गया कि कैमरा ऑन है तो मैं गई, मैंने मम्मी मार डाली, तो अभी मैं इसको ऐसे करके रख दूँगी, ठीक है, देखते कि मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। मम्मी अभी नानी से बात कर रही है, थोड़ी देर में मम्मी यहाँ पे आएगी। নিচে ফোনটা মেলা রেখে দেখে কেউ কি করে গেছে না ফোন ধরো এরকম দেখে কি করে पूरा पोपट कर दिया। छोटा भाई आके फोन देख लिया और वो उसको भी थोड़ा सा अटैक लगा कि क्या हो गया फोन को एंड देन उसने रिकॉग्नाइज कर लिया और मम्मी तो कुछ समझी नहीं, मम्मी कुछ दूसरे जोन में थी यार। मेरा एक फेल्ड प्रैंक था जो कि फेल मतलब अल्टीमेट फेल हुआ। तो छोटा भाई जा रहा है बड़े भाई को लाने, ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े भाई को ड्राइविंग नहीं आता, आता है लेकिन गाड़ी क्योंकि एक ही है, अगेन वही फंडा, तो एक ही गाड़ी में उसको पहले छोड़ता है फिर लाता है फिर अपना काम करता है, तो ऐसे ही हम लोग मैनेज करते हैं। दिस इज़ हाउ वी
सेलिब्रेट आवर लाइफ एक्चुअली, ठीक है। तो बोला तो अभी आने के बाद कुछ खाया नहीं, बस सो ही रहा है, ठीक है, उसको रेस्ट देते हैं। मम्मी ने भी बोला कि उसको अभी रेस्ट दो, डॉक्टर ने भी यही बोला कि ठीक है कि वो नहीं खाता है, उसको कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग ना हमसे ज़्यादा अपना हेल्थ के बारे में जानते हैं, लेकिन यस उनको ना लव और पैम्परिंग चाहिए, ये बात सही है। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, लेकिन मम्मी उससे पहले गई है, आज ज़्यादा देर में से नहाना होगा नहीं, क्योंकि आज ऑफिस में 2 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है, तो उसके पहले मुझे नहा के आना है, खाना खाना है। अभी 1:05 हुआ है, तो वो अलग करूँ क्या, अभी आती हूँ, ठीक है, अभी आती हूँ नहा के, जस्ट अभी। और मैं ऐसे नहा के आ गई, तो जल्दी जल्दी आज खाना खाती हूँ यार, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज खाने में है दाल, मच्छी का करी, तुरई और प्रॉन और आलू का करी, चावल और करेला फ्राई। देखिए, आफ्टर नोइंग द तरीका, मम्मी ने फाइनली क्लीन कर दी, इतना सा मीट निकला इसका, ये सारा खा सकते क्या? अच्छा, और वो पूरा कट करके फेंक दिया। ओहो माय प्रो मॉम। सो जैसे कि आपको पता है, हम भी पहली बार ही खा रहे हैं ये लॉबस्टर, सो हमारे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। सो एज पर माई मदम क्या बोल रही हूँ, एज पर माई माँ, अगर आपको तरीका पता है तो आपको कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीका जानना चाहिए। तो मम्मी ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखे, बहुत सारे देखे, डिफरेंट तरीका देखा, और मेरे लिए हमारे घर में ना ऐसा शार्प कैंची या फिर चाकू नहीं था, जो था उससे मम्मी ने किया एंड फाइनली डन हुआ। तो रात को हमें खाना है चाय टाइम गाइस, चाय रिव्यू करके बता रही हूँ मम्मी को। मम्मी यहीं पे बैठी हुई है ऑलरेडी, खुद को चादर से ऐसा करके, कोई चाय पीता है? खौफ देखो, मेरी खौफ मम्मी इतना डरो मैं। अच्छा ठीक है, चलो अभी नहीं दिखाती हूँ। बहुत मस्त चाय मिला है। तो यहाँ पे हम टीवी फॉर डॉग चलाया है, और ये देखिए हमारे खोला थोड़ा सा भी खुश हो रहा है देख के। थोड़ा सा मैं दूर रखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक स्क्रैच मारा है उसने, खुश हो रहा है मेरा खोला, चाय और बिस्किट खा के बहुत खुश है। भाई ने यहाँ पे उसको पकड़ के रखा है, सोच रहे आ कहाँ रहा है ये चिड़िया, यहाँ से उड़ तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है। प्लस लोग ऐसे लॉबस्टर ऐसा लग्जूरियस फूड अगर कुछ लाते हैं ना, पहले क्या करते, 3-4 वीडियो देखते कि उसको कैसे, पहले तो क्लीन किया जाता है। मम्मी आपने कितना वीडियो देखा? 4-5 वीडियो मम्मी ने देखा होगा, दोपहर से एक्चुअली देख रही है, देन 1 घंटा से मम्मी ने क्लीन किया, देन बड़े भाई और मम्मी ने मिलकर कम से कम 3-4 वीडियो देखा होगा यूट्यूब में, उनका रेसिपी देखा, डिफरेंट रेसिपी देखा, उसके बाद ये देखना पड़ता है वो सारे इंग्रेडिएंट घर पे है या नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा स्टेट में है लॉबस्टर आज का। ये आफ्टर क्लीनिंग, जैसे कि मैंने आपको दोपहर को दिखा था, मम्मी ने तब क्लीन किया था, मम्मी ने बोला कि इसको बहुत धोना पड़ता है। मैंने आज इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे फोटो डाला, तो हर कोई एक्साइटेड है इसको लेकर, हर कोई मुझे बोल रहे कि कैसे खाते हो, कैसे बनाते हो। अरे भाई हमें ही नहीं पता, ये देखो उसका पीस दिखाओ मम्मी, ये उसके अंदर का मीट है, और जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो वो कच्चा लॉबस्टर नहीं देते, वो बस डेकोरेशन के लिए उसका जो शेल है उसे रखते हैं, लेकिन मम्मी ने उसका शेल को पूरा भुजड़ी बना दिया है। मम्मी ने जिनका वीडियो देखा है, तो उनका नाम है नवाब किचन फूड फॉर आवर ऑर्फेंस, सो थैंक यू सो मच नवाब जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लॉबस्टर रेसिपी। आज हम बनाएंगे और हम उसका रिव्यू भी देंगे, लेकिन यस मम्मी ना उसके अंदर थोड़ा सा तो चेंज करेगी, क्योंकि हमारे घर में हर सारे इंग्रेडिएंट नहीं होता, और जितना बटर उन्होंने यूज किया उतना बटर हमारे घर में एक्चुअली था ही नहीं, कम मसाले, और नानी भी खाएगी तो नानी इतना मसाला नहीं खा पाती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा, है ना मम्मी, थोड़ा सा डिफरेंट तो करेगी ना, थोड़ा सा डिफरेंट कि अगर मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, सोचो मैं इतना गंदा व्लॉग बनाती थी, मेरी मम्मी को रोना आ जाता है, है ना। और ये जो लॉबस्टर है ये स्पॉन्सर्ड बाय माय बिग ब्रदर, कल उसने मेरे साथ एक प्रैंक किया था, पत्थर प्रैंक, उसका रिपेंट उसने किया है एक्चुअली, तो थैंक यू सो मच। आप लोग हर कोई मेरे भाई को इस वीडियो के नीचे थैंक यू बस बोल दीजिए, बिकॉज उसने अपनी दीदी का मन रखने के लिए आज सुबह सुबह लॉबस्टर लाया है, सुबह सुबह उठ के मुझे दिखाया एक्चुअली, और आके मुझे कैसा बोला है चुप चुप। ये तेल गर्म हो गया अभी इसमें दे देना है बटर, इसके अंदर डाला गया है जीरा एंड गोटा गरम मसाला, उसमें दे देना है प्याज,
इसमें दे रहे हैं टमाटर, बीच में डाला जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट एंड देन उसको आपको अच्छे से फिर फ्राई करना है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है, एक अच्छा सा एक स्मेल आना शुरू हो गया है। अब इसमें सारे मसाले जाएंगे, ड्राई मसाले। तो पहले इसमें गया है हल्दी, रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिला देना है। गैस का आँच एकदम कम रखें, अदरवाइज ये जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो मसाला जलेगा नहीं। इसमें हम डाल रहे कोरिएंडर पाउडर, होममेड कोरिएंडर पाउडर है, हम बाजार का कोरिएंडर पाउडर नहीं खाते हैं। अभी इसमें डाल रहे रोस्टेड जीरा पाउडर जो कि घर पे बना हुआ है। थोड़ा सा रोस्ट कर लेना आप जीरा पाउडर बनाने के पहले, तो बहुत अच्छा है उसका एक फ्लेवर आता है। इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस मसाले को अच्छे से कुक करें। तो देखिए कुक करते करते मसाला एकदम ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छा ग्रेवी में फॉर्म हो गया है। मम्मी ने कोई भी कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं डाला है, मोस्टली मम्मी का जो कुकिंग स्टाइल है उसमें ग्रेवी में मम्मी ऐसा ही ग्रेवी बनाती है, जिसमें कि प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर होता है और ड्राई मसाले जो नॉर्मल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक नमक नहीं डाला है, वो हम थोड़ी देर में डालेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रेवी कुक हो गया, ऊपर में तेल आना शुरू हो गया, तब आप समझ लेना। तो अभी डाला जाएगा इसमें क्लीन लॉबस्टर। प्लीज डोंट जज अस, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसको कैसे बनाते हैं, तो हम भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम फॉर अस। अब इसमें डालना है नमक, हमने अभी तक नमक नहीं डाला है इसमें, अभी इसमें हम डालेंगे नमक। तो ये जो ग्रेवी मम्मी ने बनाया है इसके साथ इस लॉबस्टर को अभी बहुत अच्छे से मतलब फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर भी नहीं, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ग्रेवी के लिए हम अभी थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहे हैं। तो ये देखिए गर्म पानी, ज़्यादा हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा थिक थिक ग्रेवी होगा, मतलब सेमी ग्रेवी शायद इसको बोलते हैं। तो ये कुक हो गया है, हमें ग्रेवी इतना ही चाहिए। आप थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो, मैं अगर होती तो और कम करती, लेकिन हमारे घर में ना हर किसी को थोड़ा सा करी करी अच्छा लगता है। तो लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला जो कि है होममेड। इसमें फ्लेवर 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट पे जाएगा जितना आप दे सकते हो उतना कोथिंबीर। ये कोथिंबीर नहीं है, एक्चुअली विदेशी धनिया पत्ती है जिसको कुलांट्रो बोलते हैं, और इसका नाम है कॉमनली नोन एज बिलाती धोने पत्ता इन अंडमान। हम लोग भी उसको वही बोलते हैं, धोने पत्ते ही बोलते हैं बस, मतलब धनिया पत्ती, लेकिन इसका इंग्लिश में इसका नाम है कुलांट्रो। कितना अच्छा नाम है ना, सिलेंट्रो कुलांट्रो। तो ये जो मैंने देखा अभी कुकिंग प्रोसेस देखे, तो मुझे यही लगा कि मम्मी जैसा चिकन बनाती है, थोड़ा बहुत उसका जैसा है, बस हम लोग बटर यूज़ नहीं करते खाने में, बस इसमें एडिशनल बटर ही है। बना है लॉबस्टर करी। तो मैंने उसको पहले ORS दिया था, ORS जैसे दिया तो नहीं पिया, लेकिन पानी देने से पी रहा है, और खाना पूरा खाया नहीं क्योंकि अंकल ने उसको ऑलरेडी खिलाया है। तो थोड़ा सा मैंने चावल दिया था, उसके अंदर थोड़ा सा उसने खाया, ठीक है, ज़्यादा ओवर हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, है ना कोला, अभी सो जाओ। तो हमारी कोला ने थोड़ा बहुत खाना खाया, हमने भी खाना खाया, और उसके बाद मैंने उसको मिनिमम 10 मिनट तक उसको थोड़ा सा पैम्पर किया। अभी वो सही है, घर पे यहीं पर सो रहा है, लेकिन वो ना उसको हम लोग मतलब बांध के नहीं रखते, तो कभी हमारे घर अंकल के घर यहीं पे रहता है, लेकिन आज उसका जो बिहेवियर है कम्प्लीटली चेंज है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम खाना उसके सामने लेकर जाते हैं तो वो बहुत कूदता है, आज भी कूदा, जब उसका खाना लेके गए तभी, हम जब खाना खा रहे थे उसको छोटे भाई ने इतना बार बुलाया आया नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाना अगर हम खाते हैं तो वहाँ पे आकर वो हंगामा मचा देता है, लेकिन आज वैसा उसने नहीं किया। बार बार उसको घर के अंदर बुला रहे, नहीं आ रहा है, मतलब वो एक बाउंड्री तक ही आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो उसके अंदर ऐसा चेंज कैसे आया, जो लोग भी मतलब अपने घर पे पेट रखते हैं उनको पता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि कभी मैंने पाला नहीं है, मतलब बचपन में पाला था लेकिन मुझे उतना याद भी नहीं है, वो तो उसको उतना केयर नहीं करना पड़ता था। बचपन में जो हमारे पास डॉग था वो बहुत अच्छा डॉग था, वो नहीं है अभी इस दुनिया में। कोला आज एकदम मतलब अलग उसका नेचर है, मतलब आज उतना ये नहीं कर रहा है और शांत है। शांत तो कुछ दिन से हो ही गया था, लेकिन आज उसका जो नेचर, जो खाने के ऊपर उसका जो एक ग्रीडीनेस था, वो सब नहीं है।
जितना उसको खाना दे रहे उतना ही खा रहा है और ज़्यादा भी नहीं खा रहा है और यहाँ हुआ नहीं जा रहा है। मेनली आज सुबह जो फिश सेलर आई थी वो भी वहीं पे जब मतलब मच्छी मच्छी करके बुलाती है तो वो भाग के जाता है, लेकिन आज वो गया नहीं, आज वो जाके चले आया छोटा भाई। फिर उसके बाद मैं काम कर रही थी यहाँ पे ऑफिस का, उसको यहीं पे लिटा दिया, मतलब मैं जहाँ पे काम कर रही थी उसके पीछे वहाँ पे कम से कम वो एक आधा घंटा सोया एंड देन उसके बाद वरंडा में जाके सो गया। तो आज वो मम्मी छोटा भाई बाहर गया था तब तक वो बाहर ही लेट सो ही रहा था, थोड़ा वीक भी है इस कारण। तो कल उसका जो डीवॉर्मिंग के लिए जो दवाई है डॉक्टर ने मुझे दे दिया है और बोला कि कल उसको खाने के साथ या फिर उसके मुंह पे दे देना, लिक्विड एक दवाई है जो उन्होंने मुझे दे दिया है, और उसके बाद 4 से 5 दिन बाद वो जब सही हो जाएगा उसको हमें लेकर जाना है फॉर वैक्सीनेशन, एकदम कम्प्लीटली ठीक होना है उसके लिए। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आज अगर वो नहीं खाता है तो कल नहीं देना डीवॉर्मिंग का दवाई, लेकिन आज तो सही हो गया एकदम ना ना कल के दवा देना, आज तो खाचे वाला हो गया। मम्मी बोल रही कल मत दो, लेकिन आज वो सही से ही खाया है, मतलब जितना उसको खाना है उतना वो खाया है। और इवन अंकल के घर से भी उसको मिला और अंकल भी बहुत ज़्यादा वरीड है उसके लिए, छोटे भाई को 2 से 3 बार उन्होंने पूछा है कि वो खाना खाया या नहीं। तो एक हमारे इस बिल्डिंग में उसको सब कोई प्यार करते, इवन हमारे घर के पास ही भाई का एक दोस्त है वो भी पूछ रहा था उसके बारे में कि वो खाना खाया या नहीं, देन वो भी उसको पैम्पर किया। तो वो बहुत एकदम बहुत प्यारा डॉग है पता है, बस वो सही हो जाए, मतलब उसका ये वाला जो नेचर है जो खाने पे वो अटैक नहीं करता वो तो अच्छा है, वैसे ही रहे बस वो एक्टिव हो जाए और तो सब सही है। और वो मेनली ना वो ना म्यूट है उसका, जैसे मैंने आपको बोला शायद वो बात नहीं कर सकता। छोटा भाई कुछ तो कोला पे एक्टिविटी कर, तो छोटा भाई कोला के साथ खेल रहा था, उसने मुझे बुला के कुछ तो बोला। ठीक है, तो आज के ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा। और कल की वीडियो में मैं आपको अंडमान का न्यू लॉकडाउन का जो रूल्स है वो मैं कल की वीडियो में बोलूंगी, और कल मैं आपको कोरोना के नंबर्स भी बोलूंगी क्योंकि मुझे संदीप मोरे जी ने पूछा है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको कल की वीडियो में विद न्यू व्लॉग। टिल देन आप खुश रहिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मैं लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।